अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मान ऑफिशियल मोहम्मद अशरफ के साथ। आज जनाब आपको विज़िट हम करवाएंगे ये ग्रेप फ्रूट का फार्म कह लें, बाग कह लें, तो उसका हम आपको आज विज़िट करवाने लगे हैं। तो ये जनाब ये भी हाई डायनेस्टी पे भी लगा हुआ है बाग। तो ये फ्रूट अभी कह लें कि काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, ये देखें। और ये भी तकरीबन तैयार है अभी कह लें कि ये मार्केट में जाने के लिए फुल तैयार हो चुका है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम दोबारा वीडियो पे आपको दिखाएंगे। और अभी आप इसका विज़िट करें, देखें कि ये देखें माशाल्लाह फ्रूट काफ़ी लगा हुआ है कुछ पौधों को, और इसमें कोई अभी फसल वगैरह तो काश्त नहीं हो सकती। तो काफ़ी कह लें कि जो पौधे हैं भरे पड़े हैं फ्रूट से। और अभी इसकी हार्वेस्टिंग भी मेरे ख्याल में बस स्टार्ट करने ही वाले हैं, कुछ दिनों तक इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जनाब ये भी कह लें कि सिट्रस की एक किस्म है, जैसे किन्नू फ्रूटर हमारा मौसमी वगैरह होता है। ये नार के कुछ पौधे उसने लगाए हैं, तो ये इसको फ्रूट लग चुका है, यानी कि जो अभी सर्दियों में हमारा फ्रूट कह लें कि आएगा मार्केट में, ये फ्रूट अभी लग चुका है और काफ़ी फ्रूट माशाल्लाह लगा हुआ है। ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये भी मेरे ख्याल में 1 से 2 साल के प्लांट हैं। और अभी ये फ्रूट भी लगा हुआ हुआ है, छोटे छोटे फ्लावर भी लगे हुए। ये खजूर का छोटा सा पौधा उसने लगाया है। और इसके साथ ही ये सामने जो किन्नू का बाग नज़र आ रहा है, ये काफ़ी कह लें कि पुराना बाग है और ये भी हाई डायनेस्टी पे ही लगा हुआ है। और जनाब फिर इसमें एक अमरूद का पौधा काफ़ी बड़ा आपको नज़र आ रहा है। ऐसे जो अमरूद के पौधे या कोई भी पौधा जब ऊपर को चला जाता है, बड़े कद वाला हो जाता है, उसको फ्रूट फिर कम ही लगता है। तो फ्रूट वाले पौधे जो होते हैं उनको झुकना चाहिए या ज़मीन के साथ ही ऊपर से नीचे को इसको कह लें कि डाउन वर्थ में आना चाहिए, तो फिर उसको फ्रूट ज़्यादा आता है, ज़्यादा लेता है। वो सामने सूरज अभी ग्रूब हो रहा है, ये सीन भी आपको दिखा देते हैं। तो सूरज अगर हम देख सकें तो उसकी जो कह लें कि सुर्खी माइल कलर वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन सूरज मेरे ख़्याल में ये पौधों के पीछे छुप चुका है, ग्रूब हो रहा है। तो ये नया बाग तैयार हो रहा है, ये भी तकरीबन किन्नू के पौधे लग रहे हैं, मुझे किन्नू ही है। और ये नया तकरीबन 2 साल का 3 साल के प्लांट्स होंगे। तो जनाब इसके साथ ही आज की वीडियो मुकम्मल होती है। तो नाज़रीन कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।